जिंदगी के हर मोड़ पर चाहे कितने भी तूफान आकर खड़े हो जाए, पर तुम हमेशा मेरे भाई रहोगे। माँ ऐसा क्यों नहीं करती हैं कि कुछ दिनों के लिए लक्ष्मी को मेरे पास भेज दे? यहाँ आएगी तो उन सबसे दूर, नए माहौल में, नए लोगों के बीच में कुछ दिनों के लिए ही सही, मगर उन यादों से दूर हो जाएगी। माँ माँ मैं वहाँ कैसे? उसका अकेलापन दूर हो जाएगा लक्ष्मी, उसका मन बहल जाएगा मेरे लिए। सही, ठीक है माँ। मैं यहाँ अपनी बेटी के बारे में जानने आया हूँ। बताओ रसिक, कहाँ है मेरी बेटी, कैसी है वो, किस हाल में है, उसे ढूंढो। आज पता चला हूं मैं, हर किसी का वक्त आता है। कल ऐसा वक्त था जब मैं आपके सामने गिड़गिड़ा रहा था, आज ऐसा वक्त है कि आप मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हो अपनी बेटी के लिए। पर ना प्रभु ना, मैं आपको उसके बारे में कुछ बताऊंगा जी नहीं, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। आपको क्या लगा, इतना आप मुझसे पूछेंगे और मैं सब कुछ बक 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 इतना सब कुछ बोल दूंगा? अरे जब तक मैं जेल में तकलीफ में रहूंगा ना, आप भी अपने घर में तकलीफ में रहोगे। अरे इस रसिक को दुखी करके आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, आप भी सुखी नहीं रहोगे जीजा जी। मुझे एक आइडिया है रसिली पर, अब आप देखना मैं सबका ध्यान अपनी ओर कैसे खींचती हूँ। इतनी औकात हो गई उस रसिक की कि मुझे मेरी बेटी के बारे में ना बताए। अरे मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, लेकिन अपनी बेटी को ढूंढ कर रहूंगा। शांत हो जाइए जी, भगवान पर भरोसा रखिए, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। ये क्यों आई है यहाँ? कितनी बार कहूं मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। मैं आपको परेशान करने नहीं आई हूं, दरअसल ये फोटो देने आई हूं। बेटी के नाम पर मेरे पास सिर्फ ये फोटो ही है जो रसिक भाई ने मुझे दी थी। कहा था कि मुंबई में कहीं रहती है। ये लीजिए सावित्री। फिर बच्ची, मैं मानती हूँ आपकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन इस फोटो के अलावा मेरे पास और कोई जानकारी नहीं है, और ये फोटो ही आखिरी उम्मीद है जिससे हमें इसके बारे में कुछ पता चल सकता है। मुझे पूरा यकीन है जी, इस तस्वीर के जरिए हम उस तक जरूर पहुंचेंगे
लेकिन इतने बड़े मुंबई शहर में कैसे ढूंढेंगे उसे? बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा, जाऊंगा मैं मुंबई और किसी भी हालत में ढूंढूंगा अपनी बेटी को, ढूंढ कर लाऊंगा अपनी इच्छी को। गांधीनगर जाने के लिए कौन सा रास्ता होगा? यहाँ से स्ट्रेट जाइए और आगे हाईवे मिलेगा, वहाँ से लेफ्ट ले लीजिएगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ये शोर कैसा, वहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? वो कुछ नहीं मैडम, वहाँ ढाबे में कोई चोरी कर रहा था, उसे लोगों ने पकड़ रखा है। कहीं ये लोग चोरी के नाम पर किसी बच्चे को तो परेशान नहीं कर रहे? अरे कोई फोन दो यार, किसी के पास फोन है क्या? अरे कैसे जाने देंगे तुझे, यहाँ पैसे कौन देगा? इसका सामान सामान रख लो यार, कितना छड़ दिए? जेड़े ने नुकसान किया उसे पैसे कौन भरेगा? मैं भरूंगी। कितना नुकसान हुआ आपका? 234.65 रुपये। पैसे चाहिए पैसे, ये लो अपने पैसे, चलो जगह लस्सी ना। चलो बाहर आ जाओ, सब चले गए हैं, बाहर आ जाओ। कि छिप गए, बाहर आ जाओ। देखो जो तुम्हें परेशान करने वाले थे ना, वो सब यहाँ से जा चुके हैं। और फिर मैं हूँ ना, मेरे होते हो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर आ जाओ। तुम बाहर नहीं आना चाहते? ठीक है, मत आओ। मैं तो वहां जाकर खाना खा रही हूँ। भाई मुझे तो बहुत भूख लगी है। भूख तो तुम्हें भी लगी है ना, है ना? मुझसे तो अब भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। मैं जा रही हूँ खाना खाने, अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो। अच्छा सा खाने के लिए लेके आई है।
भूख लगी है ना, खाना खाओगे? हाँ। आओ बैठो बैठो, खाओ लो। सच में बहुत भूख लगी है इसे। इस खाने के लिए बेचारे को कितनी तकलीफ सहनी पड़ी। हो सकता है इसके पास पैसे भी नहीं हो। कुछ नहीं कहेंगे आपको, रख दो। ठीक है, ये लो जी चम्मच। हाँ। कुछ नहीं कहेंगे, खाओ। एक मिनट में हाथ हाथ धो के आता हूँ। हाँ? देखने और पहनावे से तो ये किसी अच्छे घर का लगता है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रोहन है। रोहन, तुम यहाँ कैसे आ गए? वो मैं हॉस्पिटल से निकल रहा था तो मेरे ड्राइवर ना मुझे उसने पिक नहीं किया, तो मैंने सोचा कि मैं अकेले घर चला जाऊं। फिर ना रास्ते में मुझे एक बड़ा सा डॉगी मिला, बहुत प्यारा था। मैं उसके पीछे पीछे यहाँ चला आया। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। आप ना आप बहुत अच्छी हैं, और मैं ना मैं सिर्फ अच्छे लोगों से दोस्ती करता हूँ। आप मेरी दोस्त बनोगी? एक मिनट। फ्रेंड्स हैं, लेकिन मुझे तो तुम्हारे घर का रास्ता नहीं पता। तुम्हें तो पता है ना? रास्ता? हाँ, जब मेरा ड्राइवर ना रास्ता भूल जाता है तो मैं उसे रास्ता बताता हूँ। ठीक है, तो तुम ड्राइवर को रास्ता बता देना, हम तुम्हें घर पहुँचा देंगे। हाँ चल। अंदर आ गई हूँ मैं। अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। क्या बात है कचरी, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुझे बताओ कचरी, बात क्या है? मैं बस यही सोच रही थी युवराज कि आशीर्वाद दोपा कि मैं जिस मकसद से जा रहा हूं उसमें कामयाब रहूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। देखना, मुरारी तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटने देगा। तुम्हारी बेटी तुम्हें जरूर मिल जाएगी। फोन करते रहिए, ख्याल रखिए अपना। तो मेरी चिंता मत करो सावित्री, अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं अपनी बेटी को साथ लेकर ही लौटूंगा।
जय श्री कृष्ण पा। जय श्री कृष्ण। पता नहीं कैसी होगी मेरी बेटी, उसे देखने के लिए मैं तरस गई हूं। मोटी बा, बड़ी माँ, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो युवराज। बड़ी माँ, बात यह है कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए गोद पराई की रस्म रखना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है युवराज, इसमें पूछना क्या है? बल्कि हम सब भी यही चाहते हैं कि इस घर में खुशियां बनी रहे, आने वाले अपने बच्चे को सबका आशीर्वाद मिले। सावित्री सही कह रही है, हम ये गोद भराई की रस्म जरूर मनाएंगे। नियति, तुम क्या कहती हो? बाप, जो आप ठीक समझे। खजरी, मेरी जान, सक के जाऊं। नीचे ऐसी तैयारियां हो रही हैं मानो कल सारा राजपीपला तुम्हें देखने के लिए आएगा। बस एक बात मुझे खटक रही है, मैं अपनी खजरी को बखूबी जानती हूँ। अरे वो खजरी जो बिना मतलब के सांस तक नहीं लेती, गोद भराई का इतना बड़ा नाटक। कोई राज तो जरूर है मेरी जान। बात तो है, पर छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी। लेकिन रसीली भाई, आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। पवित्रा, कल सुबह तुम्हारी गोद भराई की रस्म है और तुम अभी तक सोई नहीं हो। चलो अपनी दवाई खाओ, ये लो। जल्दी से सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। कल के बाद तुम्हारे चेहरे पर कजरीय मुस्कान रहने नहीं देगी नियति, क्योंकि मेरे इस वार के बाद तुम्हारे और युवराज के बीच जो दीवार खड़ी होगी उसे गिरा पाना तुम्हारे वश में नहीं होगा। नमः शिवाय। नमः।